वो बहुत डिफिकल्ट होगा उनको आने वाले दिनों में अपने कंडक्ट को बिहार के जनता को कन्विंस करने में। बिल्कुल नवीन जी, यहाँ पर एक सवाल जो सभी के मन में चल रहा है और मैं सबसे पूछना चाह रही हूँ, सबकी राय मैं उसमें जानना चाह रही हूँ कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तो वहां पर भले ही खींचतान चल रही थी लेकिन वहां पर शायद भविष्य के लिए संभावनाएं ज्यादा थी, जिस तरह से वो पीएम पद के लिए दावेदारी करना चाह रहे थे वहां पर संभावनाएं ज्यादा बन रही थी। यहां पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ के दोबारा मुख्यमंत्री बनकर नीतीश कुमार को क्या हासिल होने वाला है आगे आने वाले वक्त में? ये बहुत पर्टिनेंट आपका क्वेश्चन है। देखिए, कारण ये है कि नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया था कि वो अब चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर जो रह रहे हैं वो कुछ चंद महीनों की बात है, क्योंकि आरजेडी भी रेस्टलेस हो रहा था, क्योंकि हम बड़ी पार्टी है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, कितने दिनों तक नीतीश कुमार को वो सपोर्ट करते रहे। तो 2025 के बाद किसी हालत में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पोस्ट पर नहीं रह सकते थे और उनको पोलिटिकल संन्यास लेना पड़ता। ऐसी स्थिति में जो उन्होंने बार्गेन ट्रेड ऑफ किया है वो मेरी समझ में ये है कि अगर वो इंडिया अलायंस एनडीए के साथ जाते हैं और एनडीए सत्ता में आने के ज्यादा चांस हो जाते हैं, अगर एनडीए से नरेंद्र मोदी सेंटर में लौट कर आते हैं तो नीतीश कुमार, देखिएगा मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति से शिफ्ट होकर वो सेंटर में मंत्री बन जाएंगे, या तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के इमीडिएटली बाद या 2025 में। वैसी स्थिति में 5 साल के लिए उनको फिर पावर में रहने का मौका मिल जाएगा, जो कि उन्होंने गेस किया कि इंडिया ब्लॉक के साथ रहने पर ये पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है, जिस तरह से कांग्रेस तीनों स्टेट में इलेक्शन हार गई और राम मंदिर का जिस तरह से एक सेंटिमेंटल उन्माद हुआ है। नीतीश कुमार ने 5 साल पावर में रहने के लिए हमको लगता है ये बात ये डील किया है। दूसरी बात यह है कि लोग ये सवाल जो सब कुछ पूछ रहे हैं कि नीतीश ही क्यों, नीतीश का रिलीवेंस क्या? रणवीर आपके पास भी आऊंगा, एक सवाल नवीन जी से पूछ लेता हूं, क्या रिलीवेंस है नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में? लोग कहते हैं कि वो बार बार पलट जाते हैं, मैं कहता हूं कि वो तो वही है, अगल बगल के लोग पलट जाते हैं। ये दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, जहाँ तक उनके रेलिवेंस का सवाल है, देखिए अगर आप देखिए बीजेपी का जो कोर वोट स्ट्रेंथ रहा है बिहार, बीजेपी कभी भी इस पोजीशन में नहीं रही है कि वो सत्ता में आ सके। बीजेपी बेस्ट में 60-70 सीट जीतती है, उससे ज्यादा वो कर नहीं पाती है अपने आप में। सिमिलरली आरजेडी के पास जो लालू प्रसाद का कोर वोट बैंक है वो 30% के आसपास है, उनको भी एडिशनल वोट की जरूरत रहती है, वहीं पर नीतीश कुमार पिचिंग करते हैं। इनका बहुत बड़ा कोई सपोर्ट बेस नहीं है, लेकिन वो एनफ है कि वो जिस अलायंस के साथ जाते हैं और अपने वोट को अगर कुछ परसेंटेज को भी ट्रांसफर करा पाते हैं तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अब आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का वो जो वोट बैंक है वो डिसाइसिवली शिफ्ट कर रहा है बीजेपी की तरफ में। तो नीतीश कुमार की जेडीयू जो है अप्रासंगिक कुछ दिनों में होने वाली है। आप देखिएगा इट विल ब्रेक, इट विल डिसइंटीग्रेट, जस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम। बहुत बड़ी बात आपने नवीन जी यहाँ पर कही है। रणवीर के पास एक बार चलते हैं। रणवीर, यहाँ पर जो बात नवीन जी कह रहे हैं, यहाँ पर हम तेजस्वी यादव की भी बात सामने आई थी कि उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार सम्माननीय है लेकिन कई चीजें हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं है और वो कह रहे थे कि बिहार में खेल होना बाकी है। तो जो बात नवीन जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपना जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं खो रहे, आप ये भी बताएं कि आरजेडी के खेमे में क्या चल रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी खेल होना बाकी है। देखिए, राजनीति में अक्सर चाचा भतीजों से रूठ जाते हैं और बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपने जो कही बिहार की बात, बिहार में देखिए तीन तरह के वोटर हैं। एक वोटर हिंदू होके सोचता है, वो हिंदू वोटर है। दूसरा वोटर मुस्लिम वोटर है और तीसरा वोटर वो है जो जाति के आधार पर सोचता है। वो अभी हाल फिलहाल में ही कुछ महीनों पहले जब बिहार में जाति जनगणना की लिस्ट आई और बताया नीतीश कुमार ने कि इतने परसेंट यादव हैं, इतने परसेंट कुर्मी हैं और इतने परसेंट बाकी जातियाँ हैं, तो उससे लग गया कि इस बार बीजेपी को नीतीश कुमार टक्कर देने वाले हैं। उसके बाद तस्वीरें आई बिहार में भर्ती की, जब 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई और उसका सर्टिफिकेट बांटने तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे तो तेजस्वी कहते हैं कि भर्ती हमने कराई। लेकिन जब वोटर्स की बात होती है तो वोटर कभी हिंदू बन के सोचता है, कभी जाति के आधार पर सोचता है। तो सारे समीकरण को देखते हुए ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार मौसम वैज्ञानिक है। रामविलास पासवान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक थे लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मौसम वैज्ञानिक है। और बिहार में रुख किस तरह का है, हवा किस तरह की है, क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद
जो जातिगत वोटर्स हैं वो क्या हिंदू बनकर सोच रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि जातिगत जनगणना की लिस्ट आने के बाद बिहार में जिस तरह से अगड़ा बनाम पिछड़ा होने की एक संभावना जताई जा रही थी, उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई नहीं दिया, तो क्या नीतीश कुमार ने उस जातिगत जनगणना की लिस्ट के बाद आकलन किया कि बिहार में अब जाति का कार्ड उतना ज्यादा नहीं चल रहा है जितना पहले चला करता था, इसलिए शायद वो बीजेपी के साथ आ गए? क्या समीकरण सोचकर नीतीश कुमार आए हैं पता नहीं, लेकिन दो चुनाव हैं अगले एक साल में, बड़े चुनाव। पहला अगले कुछ महीनों में लोकसभा का चुनाव है, 40 सीटें हैं बिहार में, और उसके बाद अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, 243 सीटें हैं। तो बीजेपी इस वक्त निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक एडवांटेज की स्थिति में लोकसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि इंडिया अलायंस जो कि नीतीश कुमार की ही अगुवाई में बना था, कांग्रेस पार्टी उसकी अगुवा पार्टी बन रही थी, नीतीश कुमार को माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, इंडिया के कन्वीनर हो सकते हैं, लेकिन ना उनको इंडिया का कन्वीनर बनाया गया और ना ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा। तो नाराजगी भी हो सकती है कि इंडिया में सब कुछ उन्होंने किया लेकिन उनको ही कुछ नहीं मिला, तो ऐसे में अब क्यों हम इंडिया के साथ रहें। तो एक के बाद एक इंडिया अलायंस को झटके लगते जा रहे हैं, बंगाल में लगा, पंजाब में लगा, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया, और बिहार में हम नीतीश कुमार अलग हो गए। तो झटका लग रहा है बीजेपी को, कहीं ना कहीं इससे फायदा हो रहा है, और नीतीश कुमार शायद मौसम का रुख भागते हुए अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री घर में गए और उन्होंने साफ कर दिया। दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब इस्तीफा देते हुए नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजेंद्र अर्लेकर जो बिहार के राज्यपाल हैं उनको नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपते हुए कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदला है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, और वो बाहर निकल के उन्होंने कहा है कि स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, हालात ठीक नहीं थे, महागठबंधन हमने छोड़ दिया है, सरकार को समाप्त कर दिया है, और कुछ देर में आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। नवीन जी आप हमारे साथ हैं? नवीन जी मेरा एक छोटा सा सवाल है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां इस्तीफा मुख्यमंत्री देता है, दोबारा मुख्यमंत्री वही आदमी बनता है, लेकिन डिप्टी सीएम बदल जाता है, इस बार क्या लगता है आपको, सुशील मोदी का चांस है? ये हमको भी ऐसा एहसास हो रहा है, क्योंकि लास्ट बार अगर आप ध्यान दीजिएगा मनोरंजन, आप भी बिहार बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, लास्ट बार अगर जेडीयू और बीजेपी का जो अलायंस टूटा था उसका मेन कारण ये था कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जेडीयू और नीतीश कुमार और बीजेपी के जो लीडर थे, बीजेपी के जो लीडर्स आफ्टर सुशील मोदी और नंद किशोर और प्रेम कुमार, इन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया, तो जो लीडर थे वो रिलेटिवली स्मॉलर लीडर थे और उनका प्रोफाइल उस तरह का नहीं था कि नीतीश कुमार डील कर सके, जबकि सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार काफी कंफर्टेबल रहते थे, तो मेरा मानना है, और इसी कारण वो अलायंस टूटा था, क्या कि स्टेट के जो लीडर थे उन्होंने भीषण अटैक नीतीश कुमार पर शुरू किया था और वो कंप्लीट अनएक्सेप्टेबल था नीतीश कुमार को। तो मेरा मानना है कि सुशील मोदी को इस बार एक बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है इस जेडीयू और बीजेपी के अलायंस को कोऑर्डिनेट करने की, और वो किस रूप में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है डिप्टी चीफ मिनिस्टर या किस रूप में, लेकिन सुशील मोदी की अहम भूमिका रहेगी आने वाले दिनों में। रणवीर आप क्या सुन रहे हैं संक्षेप में सुशील मोदी के बारे में? उनके घर तक 10 सर्कुलर रोड जहां राबड़ी देवी और लालू यादव। देखिए सुशील मोदी राज्यसभा के सांसद हैं और बिहार में लंबे समय तक डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और जैसे ही बिहार में राजनीतिक अपडेट शुरू हुआ नीतीश कुमार भी सक्रिय हो गए, और नीतीश कुमार माफ कीजिएगा सुशील मोदी, तो केंद्र में नमो और बिहार में सुमो, ये दो बड़ा चर्चा रहता है, और यहाँ पे सुशील मोदी फिर से सक्रिय दिखाई दिए, कल भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में भी थे, और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में नमो के बाद अब सुमो की चर्चा होगी, और सुमो जो है वो संभव है कि फिर से नीतीश कुमार के सहयोगी बनकर डिप्टी सीएम बने। जी आप पर हम लौटेंगे रणवीर, इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, नवीन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, और इस वक्त ये भी बता दें अपने दर्शकों को एक और बैठक जो चल रही है अब जेडीयू और बीजेपी की जो बैठक है वो भी शुरू हो गई है, और हम पार्टी भी उसमें साथ है। आज गवर्नर साहब को दे दिया, ऐसी नौबत क्यों हुई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। तो नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, उनका ये कहना। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन जी
आपसे ये जानना चाहता हूं, एक तरह से आप कहा जाए तो बीजेपी ने उन राज्यों में जहां पे उनको लगता था कि स्थिति थोड़ी बिगड़ रही है वो स्थिति संभाल ली है, जैसे कि बिहार का है। डेफिनेटली अगर आप देखिएगा तो महाराष्ट्र में जिस तरह के बीजेपी को बीजेपी ने चीजों कंट्रोल में किया और उसके बाद बिहार इंपॉर्टेंट था, इसलिए बिहार में अगर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ रहते तो बीजेपी के लिए स्कोप बहुत लिमिटेड था, बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल कॉम्बिनेशन ये था। तो अब ये जो बिहार में बीजेपी ने इनिशिएटिव लिया है, इसके बाद हमको लगता है कि देखिए नरेंद्र मोदी का 2024 में सत्ता में वापस आना एक फोरगोन कंक्लूजन लग रहा है, और ये बहुत बड़ा सेटबैक आपको अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए और इंडिया ब्लॉक के लिए है, इसे वर्चुअली डेथ नेल फॉर इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस के लिए, और इसमें कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के नेतृत्व की बहुत भारी गलती है कि आपको दो महीने तक कांग्रेस ने जब तीनों स्टेट के इलेक्शन चल रहे थे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया मीटिंग करने तक के लिए, और किसी तरह का इस न्यू अलायंस को कंसोलिडेट करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। आप देखिए आने वाले दिनों में मनोरंजन, मेरी जो धारणा यह है कि जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वन वीक, हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बिहार में बहुत बड़ा बिखराव होगा, और जो उनके जो 19 MLA हैं वो साथ नहीं रहेंगे, इसलिए कारण ये है कि आज के दिन में आपने देखा कि 127 MLA हैं नीतीश कुमार के साथ जो कि मेजोरिटी मार्क केवल 6 अधिक है, तो इस अलायंस को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी भी तोड़फाड़ होगी, और उसको भी रोकने के लिए कांग्रेस का कोई कांग्रेस की तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहा है, कोई शीर्ष नेता कांग्रेस के बिहार में है। कांग्रेस की जो सुस्ती है, मैं तो कहता हूं कांग्रेस का वो अकर्पण है, और वो जो सुस्ती है वो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ रहा है। चाहे आपने तीन राज्यों के चुनाव के बाद भी पूरी कांग्रेस अभी यात्रा में लगी हुई है, उसके वजह से 31 दिसंबर की डेडलाइन कब की चली गई, यही वजह है कि ममता बनर्जी नाराज बैठी हैं। बिहार में इनका गठबंधन खत्म हो गया, बाकी